Hey guys, good evening and welcome back to a new blog. I'm Prasenjit and you're watching Rishabh blog. तो आज थोड़ा लेट हो गया है, अभी रात के ऑलमोस्ट 10:15 हो रहा है. तो कल हमने बात किया था डिसएडवांटेज और डाउनसाइड ऑफ आयरलैंड, तो सोचा आज कुछ अच्छा अच्छा बात करूं आयरलैंड के ऊपर. आयरलैंड पे बेनिफिट्स क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सेम वे कल जैसा पॉइंट्स पे बताया था, सेम आज भी पॉइंट्स पे बताने का कोशिश करूंगा. ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के बात करते हैं. ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं. स्टार्टिंग से पॉइंट नंबर वन से, प्लेसेस ऑफ आयरलैंड. तो आयरलैंड का प्लेसेस आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है अगर आप आयरलैंड आ रहे हो एंड प्लानिंग, लाइक आप प्लान ऑलरेडी कर लिए, सब कुछ सेट है, आयरलैंड आ रहे हो, तो यहाँ का प्लेसेस आपको पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, लाइक एवरी टाइम आपको फील होगा कि द एनवायरमेंट और डे टाइम पे आपका अगर कोई फोटो आता है तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखता है. एंड साथ ही साथ बहुत सारे माउंटेन है, बहुत सारे लाइक सीस है, आइलैंड है, आप घूमने के लिए जा सकते हो, ट्रेकिंग करने के लिए जा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे आइलैंड पे. मूव ऑन, पॉइंट नंबर टू आता है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम इज लाइक आइलैंड जाना जाता है नॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक वेरी पॉपुलर और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज मिलता है. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अच्छा मिलता है एजुकेशन के लिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज. मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर थ्री इज योर वर्क लाइफ बैलेंस. तो आयरलैंड पे नॉर्मली मुझे फील हुआ है, मैं इंडिया से हूँ, आई एम नॉट डिस्करेजिंग इंडिया, सो इट्स लाइक जस्ट अ फीलिंग दैट आई फील कि आयरलैंड पे नॉर्मली वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ज्यादा इन लोग मेंटेन करते हैं. यहाँ पे टोटल वर्क आवर्स होता है 40 आवर्स पर वीक. ठीक है, 5 दिन का काम होता है, 40 आवर्स, दैट मीन्स 8 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम होता है पर डे इंक्लूडिंग योर लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक जो भी होता है. तो दैट इज वेरी गुड, आप मेंटेन कर पाओगे आपका जो लाइक वर्क लाइफ बैलेंस या पर्सनल लाइफ होता है उसको मेंटेन कर सकते हो. अगेन आपका वीकेंड तो होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होता है. पॉइंट नंबर फोर आता है फ्रेंडली पीपल, फ्रेंडली आयरिश पीपल. आयरलैंड के लोग बहुत ही फ्रेंडली माना जाता है, बोलते हैं सब लोग आयरलैंड के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपको लाइक हेल्पिंग नेचर होते हैं ज्यादातर. विथ माई वन एक्सपीरियंस, जब मैं स्टार्टिंग आयरलैंड आया था एंड द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई विजिट टू सिटी सेंटर, मैं गया था सिटी सेंटर. नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ जाना है, सिटी सेंटर एग्जैक्टली कौन सा प्लेस है, विच पार्ट ऑफ द सिटी कॉल्ड सिटी सेंटर. तो मैंने नॉर्मली बाजू से जा रहे थे, एक अंकल को पूछा था, तो ही इज लाइक टेक 5 to 10 minutes जस्ट मुझे एक्सप्लेन करने में लगा दिया कि यहाँ से जाओ, दिस आर द डायरेक्शन. सो विद दैट एक्सपीरियंस आई कैन से दैट आयरिश पीपल आर लाइक वेरी फ्रेंडली. यहाँ पे आपको बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग दिखते हैं. मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर फाइव इज लाइक वर्क अपॉर्चुनिटी. वर्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है. रिसेंटली और इन पास्ट फ्यू ईयर्स आयरलैंड का इकोनॉमी बहुत ही डेवलप हो रहा है अच्छे से. ठीक है, जो इंटरनेशनल कंपनीज है यहाँ पे आयरलैंड, उनको इनकरेज कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग लेस टैक्स, लेस कॉर्पोरेट टैक्सेस, जिसके कारण बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी एंड अदर कंट्रीज के कंपनी आके यहाँ पे सेटअप कर रहे कंपनी, जिसके कारण आपको यहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, जिसके लिए आपको इंटरनेशनल वर्किंग प्रोफेशनल, लोकल वर्किंग पीपल का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है. लाइक मोस्टली यूएस बेस्ड कंपनी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मोस्टली पीपल काम करते हैं, आईटी होता है, बैंकिंग, मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर एंड अदर अदर फील्ड्स, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है. ठीक है, पॉइंट नंबर सिक्स पे देखते हैं लैंग्वेज के ऊपर. ठीक है, तो लैंग्वेज इट्स अ बेनिफिट, लाइक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है. आयरलैंड इज अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. यहाँ पे आपको अगर आपको इंग्लिश पता है तो आप इजीली यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगा. तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. नॉर्मली जो भी इंटरनेशनल पीपल बाहर से आते हैं आयरलैंड पे, इट्स लाइक वेरी बिग बेनिफिट फॉर देम और एडवांटेज फॉर देम, क्योंकि नॉर्मली यूरोपियन के दूसरे कंट्रीज में आपको मे बी लोकल लैंग्वेज थोड़ा प्रेफर ज़्यादा करते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे आज तक, क्योंकि 95% ऑफ पीपल आई बिलीव कि काम
इंग्लिश बात करते हैं, ठीक है? तो दैट इज अ वेरी बिग थम्स अप फॉर द लैंग्वेज। सेवेंथ पॉइंट पे देखते हैं कनेक्टिविटी, ठीक है? तो आयरलैंड इज लाइक ए यूरोपियन कंट्री, राइट? तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही बेनिफिट है आपको। यूके इट्स लाइक वेरी नियर, ऑलमोस्ट यूके नॉर्मली फ्लाइट से आपको 1 आवर मैक्सिमम लगता है, उतना ज्यादा प्राइजेस भी नहीं है, यूके जाने के लिए आपको खर्चा नहीं होता है। एंड अदर यूरोपियन कंट्री ऑल्सो इट्स लाइक आप कहीं पे भी यूरोप में घूम सकते हो, दैट इज लाइक वेरी गुड थिंग कनेक्टिविटी वाइज। ऑल्सो यहाँ से आप यूएस में भी ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत सारे अवेलेबिलिटी होता है, बहुत सारा ऑप्शन होता है, ऑन कनेक्टिविटी वाइज इट्स अ गुड थिंग इन इन आयरलैंड। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 पे हम बात करते हैं परमानेंट रेसिडेंस। तो आयरलैंड पे परमानेंट रेसिडेंस इट्स लाइक काइंड ऑफ थिंग कि आपको अगर परमानेंट रेसिडेंस मिलता है आयरलैंड, आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो, देयर विल बी वेरी लेस रेस्ट्रिक्शन, बहुत ही बेनिफिट होता है आपको यहाँ पे, ठीक है? तो नॉर्मली पीआर आपको यहाँ पे लेने के लिए मिनिमम दो तरह के, जैसा कि मैं पुराने वीडियो पे बताया था, वर्क परमिट पे कंडीशन होता है, जल्दी से यहाँ पे आपको पीआर मिलने के चांसेस होता है कंपेटिवली दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से। तो वर्क परमिट आपके पास है तो मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर यू कैन फाइल फॉर योर परमानेंट रेसिडेंट इन आयरलैंड, तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। पॉइंट नंबर 9, आयरिश पासपोर्ट। तो आयरिश पासपोर्ट इट्स लाइक वेरी बेनिफिटेड पासपोर्ट, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन लाइक यूरोपियन कंट्री। अगर आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाता है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में विदाउट वीजा घूम सकते हो, नॉट ओनली यूरोपियन कंट्री, लाइक टोटल आई थिंक 180 और 90 कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आप वीजा फ्री जा सकते हो, दैट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। यूएस में भी आपको अगर जाना है वीजा फ्री, आप यूएस भी ट्रैवल कर सकते हो इफ यू हैव द आयरिश पासपोर्ट, ठीक है? दैट इज वेरी बिग थिंग। आयरिश पासपोर्ट आपको मिलने के लिए मैं पिछले वीडियो पे बताया था, वीडियो चेक करो, टोटल आपका कुछ 10 ईयर्स यहाँ पे कम्प्लीट करना चाहिए, 8 ईयर्स ऑफ स्टे रहना चाहिए। एट लास्ट हम बात करते हैं वेदर पे। वेदर अच्छा नहीं है बोल के मैंने कल बोला था, फिर भी पॉजिटिव पॉइंट है वेदर पे आपको यहाँ पे, ठीक है? नॉर्मली जब स्टार्टिंग पे आते हो आपको थोड़ा दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे आदत हो जाता है। जैसे कि वेदर क्यों अच्छा है यहाँ पे, नॉर्मली ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है, स्पेशल इन समर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। नॉर्मली अगर आप घूमोगे नियर बाई प्लेसेस एंड आपको एक बार हैबिचुएट हो गया दिस वेदर, यू विल फील वेरी गुड। यहाँ पे बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है, मोस्टली व्हीकल्स आर रन इन लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, तो पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है यहाँ पे, एंड आपको अच्छा फील होगा, लिटरली अच्छा फील होगा वंस यू गॉट हैबिचुएटेड विद दिस क्लाइमेट काइंड ऑफ थिंग। तो वेदर साइड दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट वंस यू गेट हैबिचुएटेड विद दिस। कुछ और पॉइंट भी है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे क्रिटिकल स्किल पे काम कर रहे हो, आपको दूसरे बेनिफिट्स भी दिया जाता है। क्रिटिकल स्किल आपके पास है तो आपके डिपेंडेंट, आपका स्पाउस आके यहाँ पे वर्क कर सकता है विदाउट एनी एडिशनल वीजा और समथिंग, जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर वर्क परमिट स्पाउस भी काम कर सकता है, दैट इज अ गुड पॉइंट अगेन। एंड द अदर बेनिफिट्स आर लाइक बेनिफिट ऑफ एजुकेशन हियर फॉर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे लाइक फॉर द प्राइमरी स्कूलिंग, आई बिलीव प्राइमरी स्कूलिंग के लिए यहाँ पे आपको स्कूल में कोई फीस नहीं होता है लिटरली, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। एंड एजुकेशन क्वालिटी इज आई वुड से वेरी गुड ऑल्सो, तो दैट इज अगेन अ बिग थिंग दैट आपको प्राइमरी स्कूलिंग के लिए आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, एंड इट्स लाइक वेरी गुड पार्ट एक्चुअली फॉर एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर चिल्ड्रन। तो आई बिलीव दिस ऑल आर दी बेनिफिट्स जो मुझे फील हुआ है, तो आई होप यू लाइक दिस पार्ट ऑफ वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अपकमिंग वीडियो के लिए। अब से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग।